इस कहानी की शुरुआत में हमें अर्थ पर 1980 में मसूरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पीटर के मॉम डैड मेरेडिथ और ईगो साथ में अच्छा वक्त गुजार रहे थे। ईगो दूसरे प्लेनेट के जीव होते हैं और उन्होंने वहां मसूरी के जंगल में एक विदेशी पौधा लगा रखा था। ईगो मेरेडिथ से कहता है कि एक दिन ये पौधा सभी जगह फैला होगा। इससे मेरेडिथ भी खुश होती है। फिर अब हमें 34 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम रोनन को हराने की वजह से गैलेक्सी में फेमस हो गई थी और सभी उन्हें हीरो मानने लगे थे। इसीलिए सोवरेन प्लेनेट की महारानी आयशा ने उन्हें अपनी खास एनुलेक्स बेटी की सुरक्षा करने के लिए हायर किया था, जिनकी कीमत अरबों में थी। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एबिलिक्स नाम का खतरनाक टेंटिकल मॉन्स्टर उन बेटी की ऊर्जा को सोखने के लिए वहाँ पर हमला कर देता है। इसीलिए गार्डियन उससे लड़ने लग जाते हैं, मगर ग्रूर जो रिबोन होने के बाद बच्चा था वो वहाँ डांस कर रहा होता है। ड्रेक्स उस मॉन्स्टर की चमड़ी को छेदने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, इसीलिए उस मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। गमोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। पीटर गमोरा से कहता कि ड्रेक्स पागल हो गया है और हमें ड्रेक्स को बचाने के लिए जल्दी से इस मॉन्स्टर को मारना होगा। और पीटर रॉकेट के साथ मिलकर मॉन्स्टर का ध्यान ऊपर की तरफ करने लग जाता है। गमोरा देखती है कि उस मॉन्स्टर के गले पर कट है और वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से चीर देती है, जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। अब ड्रेक्स भी बाहर आ जाता है और उसे लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मारा है, जिससे वह खुश होता है। मगर ग्रूट उसे सच्चाई बताता है। फिर वो सभी महारानी आयशा के पास जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि हमने तुम्हें एनुलेक्स बेटी की सुरक्षा में इसीलिए रखा क्योंकि हम अपनी आवाम को जोखिम में नहीं डाल सकते। हमारी आवाम का हर एक शख्स नायाब है। हर एक शख्स को लेबोरेटरी में खास DNA की मदद से बनाया जाता है। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि किसी की जान जाए। और अब उन्हें बेटी के बदले नेबुला को लौटा देती है, जिसे उन्होंने बेटी चुराते वक्त पकड़ लिया था। आयशा गमोरा से कहती है कि सुनने में आया है कि नेबुला आपकी बहन है, तो गमोरा से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जेंडार ने इस पर इनाम रखा है, इसीलिए हम इसे उनके हवाले कर देंगे। ये कहकर उसे वहाँ से ले जाती है। आयशा को पीटर में एक खास तरह की शख्सियत नजर आती है, इसीलिए वो पूछती है कि तुम कहाँ से हो। तो पीटर उन्हें बताता है कि मेरी माँ प्रति से थी, मगर मुझे नहीं पता कि मेरे पिता कहाँ से थे। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। रॉकेट ड्रेस को बताता है कि हम मालामाल होने वाले हैं क्योंकि मैंने कुछ एनुलेक्स बेटी चुरा ली है। इससे ड्रेक्स भी खुश होता है। फिर वो सभी अपनी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी शिप लेकर जेंडार की तरफ निकल जाते हैं, मगर तभी आयशा को पता चल जाता है कि रॉकेट और उसके साथियों ने उनकी एनुलेक्स बेटियाँ चुराई है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और अब अपने रिमोट कंट्रोल से चलने वाले ओमनीक्राफ्ट शिप्स को उनके पीछे भेज देती है। पीटर जब सोवरेन शिप्स को अपने पीछे देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, मगर ड्रेक्स उसे बता देता है कि रॉकेट ने उनकी बेटियाँ चुराई है। पीटर रॉकेट पर गुस्सा करने लगता है तो रॉकेट उसे कहता है कि वो सोनपरी खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। अब सोवरेन शिप उन पर हमला करने लगते हैं क्योंकि आयशा ने उन सभी को मारने के ऑर्डर दे दिए थे। पीटर और रॉकेट मिलकर किसी तरह उनसे बचने लगते हैं, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो किसी तरह शिप को वहाँ से पास वाले प्लेनेट पर लेकर जाने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। उस प्लेनेट का नाम बिहार होता है, मगर बिहार तक पहुँचने के लिए उन्हें उल्का पिंड के चक्रव्यूह से होकर गुजरना था। वो किसी तरह शिप्स और उल्काओं से बचकर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर उल्का से टकराने की वजह से उनका शिप डैमेज हो जाता है, मगर पीटर शील्ड को ऑन कर देता है। अभी भी एक सोवरन शिप उनके पीछे होता है, लेकिन ड्रेक्स बबल जैकेट पहनकर बाहर जाता है और वो शिप को खत्म कर देता है। मगर तभी वहाँ पर और सोवरेन जहाज आकर उन्हें घेर लेते हैं और उन पर फायर करने लगते हैं, लेकिन तभी शिप लेकर कोई अनजाना आदमी वहाँ पर आ जाता है, जो एक ही वार में सभी सोवरेन शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉकेट ये देखकर काफी हैरान होता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने उनकी जान बचाई, मगर पीटर उस पर ध्यान नहीं देता और वो शिप को बिहार प्लेनेट की तरफ लेकर जाने लगता है। मगर शिप की हालत खराब होने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से जंगल में क्रैश हो जाती है। गमोरा पीटर और रॉकेट पर गुस्सा करती है क्योंकि उनकी लड़ाई की वजह से ही ये जहाज क्रैश हुआ था। वो उनसे कहती है कि अगर तुम झगड़ा नहीं करते तो हमारा जहाज अच्छे से लैंड हो जाता। पीटर और रॉकेट भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वो अनजाना आदमी अपनी शिप लेकर आ जाता है। उस अनजान आदमी का नाम ईगो होता है, जो मेंटिस के साथ बाहर आता है, जिन्हें देखकर पीटर उनसे पूछता है कि आप कौन है। ईगो से बताता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ,
हूँ, जिससे बीटा हैरान होता है। वही हमें कंट्रक्सिया प्लेनेट पर योंडू को दिखाया जाता है, जिसके पास स्टाकर ओगाड आते हैं, जो योंडू से नाराज थे। स्टाकर दरअसल डाकुओं के रेगर कप्तान होते हैं और उन्होंने योंडू को गुलामी से आजाद करवाकर रेगर की एक टुकड़ी का कप्तान बनाया था। योंडू उनसे कहता है कि आप मुझसे क्यों नाराज हो। स्टाकर उसे कहते हैं कि तुमने लुटेरों के वसूल को तोड़ा है। हम लुटेरे कभी किसी के बच्चों को नहीं चुराते, मगर तुमने पैसों के लिए बच्चों को चुराया। तो योंडू से कहता कि अनजाने में मुझसे गलती हो गई और मैं भी इस ग्रुप का मेंबर हूँ, मेरे पास भी वर्दी है। तो स्टाकर उसे बताते हैं कि तुम्हें वर्दी जरूर मिल गई हो, लेकिन तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आजादी का जश्न नहीं मनाया जाएगा और ओगाड का इंद्रधनुष भी तुम्हारी कब्र से नहीं निकलेगा। योंडू इससे उदास हो जाता है। तभी आयशा उसे मिलने आती है और योंडू से पीटर और उसके दोस्तों को पकड़कर लाने की डील कर लेती है। वही को पीटर को बताता है कि मैंने योंडू को तुम्हें लाने के लिए भेजा था, लेकिन योंडू ने तुम्हें अपने पास रख लिया और अब उन्हें अपने साथ उनके प्लेनेट पर चलने को कहते हैं। पीटर गमोरा और ड्रेसिगो के साथ उसके प्लेनेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर रॉकेट ग्रुट के साथ वही शिप को सही करने के लिए रुकता है और नेबुला को भी वही बंदी बनाकर रखा जाता है। ईगो के शिप में मेंटिस अपनी पावर से ईगो को सुला देती है और अब पीटर और डेक्स मेंटिस से बात करते हैं। वो उससे उसके एंटीना जैसे टावर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये 4G टावर है जो सिग्नल पकड़ने के काम आते हैं। मगर मेंटिस उन्हें बताती है कि इन एंटीना की मदद से मैं किसी के भी जज्बा समझ सकती हूँ, लोगों को छूकर उनके अंदर की बात समझ सकती हूँ। और वो पीटर को हाथ लगाकर पता कर लेती है कि पीटर गमोरा को पसंद करता है, जिससे ड्रेक्स उसका मजाक उड़ाता है। मेंटिस उन्हें बताती है कि मैं लोगों के जज्बात को बदल भी सकती हूँ, खुश को उदास कर सकती हूँ, और अगर मेरे मालिक को नींद ना आए तो मैं उन्हें जड़ से सुला दूँ। तो ड्रेक्स उसे कहता है कि मुझे भी सोना है। मेंटिस अपने पावर से उसे सुला देती है। वहीं बिहार प्लेनेट पर दिखाया जाता है कि योंडू की टीम गार्डियन की शिप के पास पहुँच जाती है, मगर रॉकेट को इस बात का पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए वो उनके लिए ट्रेप बिछा देता है, जिससे बहुत सारे लुटेरे मारे जाते हैं। मगर तभी योंडू आकर अपने याका तीर की मदद से रॉकेट पर पॉइंट कर देता है, जिससे रॉकेट उसके सामने सरेंडर कर देता है। योंडू से बताता है कि आयशा ने मुझसे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को उस तक पहुंचाने की सुपारी दी है, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन एनुलेक्स बैटरी को बेचकर अरबों रुपए कमाऊंगा। मगर उसकी टीम का एक लुटेरा जिसका नाम टेजर फेस होता है, उसे मंजूर नहीं होता। तो योंडू से कहता है कि हम बेवकूफ नहीं है कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को मार दे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो पूरा नोवा कॉर्प्स हमारा दुश्मन बन जाएगा। मगर क्रेंगलिन को भी ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि योंडू हर बार पीटर को छोड़ देता था, इसीलिए टेजर फेस विद्रोह कर देता है, जिससे वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। जहाज में नेबुला भी आजाद होने के लिए ग्रुट से कहती है कि तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है, जिससे ग्रुट उसे आजाद कर देता है। मगर वो ग्रुट को धोखा देती है और वो योंडू के सर पर वार करके उसके याका गैजेट को बर्बाद कर देती है और रॉकेट को भी शोक देकर बेहोश कर देती है। वही हमें दिखाया जाता है कि पीटर और उसके साथी ईगो के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत ग्रह होता है और उस ग्रह को ईगो ने ही बनाया था। इससे पीटर और गमोरा काफी हैरान होते हैं। गमोरा उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो जो तुम्हारे पास इतना बड़ा ग्रह है। तो ईगो से बताता है कि तुम मुझे दिव्य पुरुष कह सकती हो और मैं किसी भगवान से कम नहीं हूँ, और उन्हें अपना महल दिखाती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। ईगो उन्हें अपने इतिहास के बारे में बताता है कि मैं आकाशीय ब्रह्मांड की सबसे पुरानी जाति में से एक हूँ, और पहले मेरा रूप एक माइंड की तरह था। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में तैर रहा था, मैं उस अकेलेपन को महसूस कर पाया, इसीलिए मैंने अपने आसपास के अणुओं में हेर फेर करके उन पर काबू करना सीख लिया, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ बढ़ गई और मैंने ग्रह बनाया। मगर मुझे शांति नहीं मिली और मैं जीवन की तलाश में निकला, और पंच तत्वों का उपयोग करके मैंने जीवन का निर्माण किया, यानी मैं खुद का एक भगवान हूँ। फिर वो पीटर को बताते हैं कि जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो मुझे उससे प्यार हो गया, और कुछ ही महीनों बाद तुम पैदा हुए। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले, लेकिन जब मुझे पता चला कि पृथ्वी का कोई इंसान इन्फिनिटी स्टोन छूकर भी जिंदा है, तो मैं समझ गया कि तुम ही मेरे बेटे हो। वही हमें योंडू के जहाज में दिखाया जाता है कि नेबुला की वजह से योंडू के टीम के लोगों ने बगावत कर दी थी और टेजर फेस उनका नया लीडर बन चुका था, जिसने योंडू रॉकेट और ग्रुट को बंदी बना रखा था, और उसने योंडू के हर एक वफादार साथियों को अंतिक से बाहर फेंक कर मार डाला था। रॉकेट को टेजर फेस नाम से बहुत हंसी आती है, जिससे टेजर फेस उसे और
और योंडो को एक जेल में बंद कर देता है ताकि उन्हें आयशा के हवाले कर सके। और अब नेबुला टेजर फेस से डील के मुताबिक पैसे में से 10% हिस्सा मांगती है। क्रेंगलिन नेबुला को बताता है कि जैसे आयशा हमें गार्डियन के बदले पैसे देगी, हम तुम्हें 10% हिस्सा दे देंगे, मगर तुम इतने पैसों का क्या करोगी। तो नेबुला बताती है कि मैं एक पावरफुल शिप बनाऊंगी जिससे मैं अपने बाप थेनोस को खत्म कर दूंगी, क्योंकि हमेशा गमोरा और मेरी कुश्ती करवाता था और हर बार गमोरा जीत जाती थी, इसीलिए वो मेरे हर एक पार्ट को बदल कर रोबोटिक पार्ट फिट कर देता था। इसीलिए मैं उसे बदला लूंगी और उसका भी वही हाल करूंगी जो उसने मेरा किया था। मगर पहले वो गमोरा को मारने के लिए ईगो के प्लेनेट की तरफ निकल जाती है। वही टेजर फेस के साथी ग्रूट के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं जिससे ग्रूट को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। रात को जब सब सो जाते हैं और जब ग्रूट वहाँ से गुजरता है तो योंडू और रॉकेट उसे रोक लेते हैं। योंडू उससे अपने सगा ताज मांगता है ताकि वो याकातीर की मदद से यहाँ से निकल सके, मगर ग्रूट नादान होने की वजह से उनकी बातें समझ नहीं पाता और हर बार गलत चीज लेकर आता है। क्रेंगलिन रॉकेट को देख लेता है और वो योंडू को उसका ताज ले जाकर दे देता है और उसे बताता है कि सरदार में बगावत नहीं चाहता था, उन्होंने मेरे सारे दोस्तों को मार डाला। तो योंडू से कहता है कि जहाज के तीसरे हिस्से को रिलीज करो। और अब योंडू और रॉकेट एक टीम की तरह एक एक करके टेजर फेस के सभी आदमियों को मारने लग जाते हैं। योंडू अपने याका तीर से सभी को मारने लगता है। रॉकेट और ग्रूट भी उसका साथ देते हैं जिससे वो पूरे शिप को ही बर्बाद कर देते हैं। और अब वो क्रेंगलिन के रिलीज किए हुए तीसरे हिस्से से वहाँ से निकल जाते हैं। टेजर फेस भी मारा जाता है, मगर वो मरने से पहले आयशा के लिए सिपाही को योंडू और रॉकेट की लोकेशन बता देता है। अब रॉकेट शिप को ईगो के प्लेनेट की तरफ लेकर जाने लगता है। वहीं पीटर ईगो से कहता है कि मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन फिर भी आपने उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया और मुझे लेने के लिए एक लुटेरे को क्यों भेजा। ईगो से बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे इस प्लेनेट की दिव्य ज्योति बुझ रही थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मगर अब तुम यहाँ आ चुके हो और मुझे तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है, क्योंकि अब तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। और उसे दिव्य ज्योति कंट्रोल करना सिखाते हैं जिससे वो एक बॉल बनाता है और वो दोनों थोड़ी देर तक उस बॉल से खेलते हैं जिससे वो खुश होते हैं। अब पीटर को भी यहाँ अच्छा लगने लगता है। वही डेक्स मेंटिस से बात करता है। वो उसे पूछता है कि तुम इस अजीब से ग्रह पर कैसे आई। तो मेंटिस उसे बताती है कि मैं अपने ग्रह पर अकेली उपज रही थी जिससे ईगो मुझे अपने साथ ले आए। ड्रेक्स को अपनी बेटी की याद आ जाती है जिससे वो बहुत दुखी होता है। मेंटिस भी उसे छूकर ये दुख महसूस कर पाती है। वहीं गमोरा और पीटर भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो दोनों साथ में डांस करते हैं। मगर गमोरा को यहाँ पर बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो पीटर से कहती है कि मेंटिस हमसे कुछ छिपा रही है और मुझे लगता है कि ये जगह एक भ्रम है। लेकिन पीटर उसकी बात नहीं सुनता और अब गमोरा रॉकेट से कॉन्टेक्ट करने के लिए बाहर जाती है, मगर तभी नेबुला उस पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। गमोरा एक गुफा में जाती है, मगर नेबुला भी वहाँ पर आ जाती है। गमोरा उसके टूटे हुए शिप की गन से उस पर ही हमला कर देती है जिससे नेबुला शिप में ही फंस जाती है। मगर गमोरा उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसे बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन नेबुला उस पर ही हमला कर देती है, मगर उसे नहीं मारती। वो उसे बताती है कि मुझे हमेशा मेरी बहन चाहिए थी, लेकिन तुम हमेशा जीतना चाहती थी। गमोरा को भी एहसास होता है कि उसने नेबुला के साथ गलत किया। फिर वो दोनों जब आगे बढ़ती है तो उन्हें ग्रह के गर्भ में बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं जिससे वो हैरान हो जाती है। वही ईगो पीटर को बताता है कि दुनिया में जो कोई भी जन्म लेता है वो सब मर जाते हैं, लेकिन हम दिव्य पुरुष हैं, हम हमेशा अमर रहेंगे। और उसे अपना मास्टर प्लान बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि सालों पहले मुझ में जीवन ढूंढने की चाह थी, पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब मुझे जीवन मिल गया तो मैं बहुत निराश हो गया, और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड को नए रूप से विस्तार करना चाहिए और यही असली प्रगति है। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि पिछले करोड़ों सालों में मैंने अपने करोड़ों अंश को अलग अलग ग्रहों में पौधों की तरह उगा दिए, क्योंकि इससे ही विकास होकर नए रूप से ब्रह्मांड का विस्तार होगा जिससे मैं चारों दिशाओं में राज करूंगा। लेकिन ऐसा करने में एक समस्या थी, क्योंकि सिर्फ एक दिव्य पुरुष ही ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसा करने के लिए दो दिव्य पुरुष की जरूरत होती थी, इसीलिए मैंने अलग अलग ग्रह पर जाकर अपने डीएनए की छाप छोड़ी ताकि मेरे डीएनए से जन्मे किसी बच्चे में दिव्य शक्ति हो। इसीलिए मैंने एक एक करके सभी बच्चों को योंडू के हाथों अपने पास बुलाया, लेकिन उनमें से किसी के पास दिव्य शक्ति नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उन्हें मार
मारना पड़ा, जिससे हमें पता चलता है कि गमोरा और नेबुला ने जो कंकाल देखे थे वो ईगो के बच्चों के थे। ईगो कहते हैं कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे सभी बच्चों में से सिर्फ तुम्हें ही वो दिव्य शक्ति थी, और तुम्हें हासिल करने के लिए ही मैंने तुम्हारी माँ के दिमाग में ट्यूमर डाला था। इससे पीटर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो उनके हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है और उन पर शूट करके उन्हें खत्म करने लगता है। मगर ईगो खुद ही दिव्य पुरुष होने की वजह से खत्म नहीं हो सकता था, इसीलिए वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और अब वो पीटर को अपने कब्जे में ले लेता है, ताकि वो पीटर को एक बेटी की तरह इस्तेमाल कर सके। वही मेंटिस गमोरा और उसके बाकी साथियों को भी ईगो की चाल के बारे में बता देती है, क्योंकि मेंटिस दिल की बहुत अच्छी थी और वो नहीं चाहती थी कि पीटर को कोई चोट पहुंचे। अब रॉकेट और योंडू भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि योंडू को पहले से ही ईगो के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए उसने पीटर को ईगो को नहीं सौंपा था। अब ईगो पीटर को काबू करने की वजह से पूरे ब्रह्मांड में फैलाए गए अपने पौधों की मदद से विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे सभी प्लेनेट बर्बाद होने लगते हैं। मगर तभी योंडू अपनी शिप को ईगो पर क्रैश कर देता है, जिससे प्रक्रिया रुक जाती है। पीटर भी अब नॉर्मल हो जाता है। गमोरा भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो पीटर को उठाकर शिप में ले आती है। मेंटिस बताती है कि ईगो मरा नहीं है, क्योंकि जो मरा वो उसके पूर्ण रूप का प्रतिबिंब था, और हमें उसे मारने के लिए इस प्लेनेट के गर्भ में जाना होगा। अब पीटर भी शिप के कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ वो योंडू को देखकर हैरान होता है। ईगो उनके शिप को जाने से रोकता है, मगर योंडू और पीटर मिलकर उस शिप को उड़ा देते हैं और ईगो के ग्रह के गर्भ में जाने लगते हैं। रॉकेट भी खुश होता है कि वो दो बार ब्रह्मांड को बचाने वाले हैं, और अब वो ईगो के उस मस्तिष्क के पास पहुंच जाते हैं जो ये असली में दिव्य ज्योति थी, वो एक बॉल के रूप में होती है। रॉकेट लेजर बॉल की मदद से उसे खत्म करने लग जाता है, मगर तभी सोवरेन सेना भी लेजर फेस के भेजे हुए मैसेज की वजह से वहाँ आ जाती है और वो रॉकेट और बाकी सब पर हमला करने लगती है, जिससे उनका लेजर वाला प्लान फेल हो जाता है। मगर रॉकेट उन एनुलेक्स बैटरी की मदद से एक बॉम्ब बनाता है, क्योंकि एनुलेक्स बैटरी इतनी पावरफुल होती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, जिसकी मदद से वो ईगो के मस्तिष्क को खत्म कर देंगे। पीटर और रॉकेट उस बॉम्ब को लेकर उस मस्तिष्क के अंदर जाते हैं, लेकिन जड़ों तक पहुँचने का रास्ता बहुत संकरा था, इसीलिए पीटर को एक आइडिया आता है कि वो ग्रूट को अंदर भेज सकते हैं, ताकि ग्रूट अंदर जाकर बॉम्ब लगा सके। रॉकेट ग्रूट को समझाने लगता है, वहीं अब ईगो भी जागने लगता है, लेकिन मेंटिस अपनी पावर से उसे सुला देती है। ग्रूट बिना समझे ही उन एनुलेक्स बॉम्ब को लेकर अंदर जाने लगता है। वहीं सोवरेन सेना योंडू के शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन नेबुला किसी तरह लेजर को ऑन कर देती है, जिससे वो सारे सोवरेन जहाज को मार गिराते हैं। इससे आयशा बहुत गुस्सा होती है। अब सारी गार्डियन टीम इकट्ठा हो जाती है, मगर अब मेंटिस के बेहोश होने की वजह से ईगो जाग जाता है। रॉकेट पीटर को बताता है कि अगर रॉकेट ने सही से बॉम्ब लगा दिया तो हमारे पास निकलने के लिए सिर्फ 6 मिनट होंगे। अब योंडू ग्रेगलिन से जहाज नीचे लाने को कहता है। पीटर की पूरी टीम अब ईगो से लड़ने लगती है, मगर ईगो पावरफुल होता है। गमोरा नीचे गिरने लगती है, मगर नेबुला उसे बचा लेती है। वहीं अब ग्रेगलिन शिप लेकर नीचे आ गया था और ड्रेक्स मेंटिस को बचाने के लिए उसे शिप में लेकर जाने लगता है, मगर ईगो के जाल में फंस जाता है। और अब एक एक करके पीटर की पूरी टीम को ईगो अपनी पावर से जमीन में दफन करने लगता है और योंडू का याका तीर भी तोड़ देता है। और अब वापस से ब्रह्मांड के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। योंडू पीटर को बताता है कि तुम भी दिव्य शक्ति को काबू कर सकते हो, क्योंकि मैं अपना तीर दिमाग से नहीं बल्कि दिल से चलाता हूँ। पीटर भी अपने दोस्तों को याद करता है और अब वो अपने दिल की आवाज से दिव्य शक्ति को काबू कर लेता है और अब वो ईगो पर हमला करने लगता है। साथ ही अपने सभी दोस्तों को भी आजाद कर देता है, जिससे वो बाहर निकल आते हैं। रॉकेट भी अब ईगो के मस्तिष्क में बॉम्ब लगा देता है और वो सही से उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से बाहर आने लग जाता है। अब 5 मिनट में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। डेक्स मेंटिस को लेकर शिप में आ जाता है। गमोरा और नेबुला भी वहाँ पहुँच जाती है। रॉकेट योंडू को भी जहाज पर जाने को कहता है, मगर वो ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम्हें ग्रूट को बचाकर जाना होगा और मैं पीटर को बचा लूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ। रॉकेट भी इसे इमोशनल हो जाता है और योंडू को भी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम में शामिल कर लेता है। योंडू इससे खुश होता है। वहीं पीटर और ईगो अभी भी लड़ रहे होते हैं और अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे, इसीलिए ईगो पीटर से कहता है कि हमें इस बॉम्ब को रोकना होगा, क्योंकि अभी हम दोनों
अमर हैं और अगर ये दिव्य ज्योति नष्ट हो गई तो तुम भी एक आम इंसान बन जाओगे। तो पीटर कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और अब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो दिव्य ज्योति खत्म होने के साथ साथ ईगो भी खत्म हो जाता है। मगर अब वो प्लेनेट भी नष्ट होने लगता है। वहीं शिप में सभी को लगता है कि पीटर मर चुका है जिससे सभी दुखी होते हैं। मगर योंडो फ्लाइंग जैकेट की मदद से पीटर को बचा लेता है। योंडो पीटर को अपनी सच्चाई बताता है कि मैंने तुम्हें ईगो को इसीलिए नहीं सौंपा था क्योंकि मुझे पता था कि उसने बाकी बच्चों के साथ क्या किया, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला और उसके शरीर पर बबल जैकेट पहना देता है। और अब स्पेस में आने की वजह से योंडो खुद मारा जाता है मगर वो पीटर को बचा लेता है। पीटर इसे काफी दुखी होता है, वो उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब योंडो का अंतिम संस्कार किया जाता है। पीटर उसके दोस्त दुखी होते हैं। पीटर को भी अब एहसास हो जाता है कि योंडो ने उसको एक पिता का प्यार दिया था। अब क्रेगलिन पीटर को योंडो का लाया हुआ जून डिवाइस देता है जिसमें 300 गाने सुने जा सकते थे। और अब पीटर भी क्रेगलिन को योंडो का तीर देता है जो उसने जोड़ दिया था। अब रॉकेट योंडो के सभी साथी रेंजर्स को योंडो के कारनामों की खबर दे देता है जिससे वो योंडो के मरने पर श्रद्धांजलि के तौर पर इंद्रधनुष छोड़ते हैं। अब नेबुला और गमोरा के बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाती है। मगर नेबुला थेनोस को मारने के लिए वहां से निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जिसमें क्रेगलिन याका तीर को चलाने की कोशिश करता है मगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तीर ड्रेस को लग जाता है। वहीं अब स्टारक योंडो के मरने के बाद अपने पूर्व साथियों एलेटा, मोर्टिनेक्स, चार्ली, मेनफ्रेम और क्रूगर के साथ फिर से जुड़ जाता है। फिर हमें अगले पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि आयशा बर्थ पोर्ट के पास बैठी हुई होती है क्योंकि वो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी से बदला लेने के लिए एडम नाम के किसी शख्स को बना रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सालों बाद ग्रूट अपने सामान्य आकार में वापस बढ़ता जा रहा था और इस अवस्था में वो अपने किशोर व्यवहार को व्यक्त कर रहा था क्योंकि हमेशा गेम खेला करता था। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस अगर आपने अभी तक गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।